इस तरफ आ जा, किधर गई, चलो नहीं 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 हाथ छुपा दे, चल शाबाश। केम जाओ मित्रों, आपका बहुत स्वागत है। आप मेरे पे हंसिए मत मावा। आप लोग कैसे हैं भाई लोग, ये बताइए। आज हो गई है रात, और रात को मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपको एक ऐतिहासिक नजारा दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हमारा पोरबंदर का चौपाटी मैदान, और यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर के भाई लोग दिख रहे हैं ना, वो अपने भाई लोग है। डैडी आप बताइए ये क्या कर रहे हैं? ये विश्व विख्यात मणियारो रास मेहर कॉम के द्वारा जो खेला जाता है वो खेल रहे हैं, और आई थिंक ये एक विश्व विक्रम हो जाएगा। और ये आज से तारीख 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक श्रीमद् भागवत सप्ताह उदय मेहर सुप्रीम काउंसिल ने अरेंज किया है। उसके व्यासपीठ पे श्री भाई श्री रमेश भाई विराजमान होंगे, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और एक बात, हमारे ब्लॉग में ये होली के बाद का जो प्रतिपदा 1 2 3 बोलते हैं, पोरबंदर में उसको पड़वा बोलते हैं, तो हम लोग मणियारो करने ही वाले थे, तो साथ साथ में ये जबरदस्त प्रोग्राम भी हो गया, तो आज ब्लॉग में पूरा मणियारो ट्विस्ट है। गुड इवनिंग, यहाँ पे अवनी है, जलदीप भाई है, और अंजना बेन है, और कृष्णा बेन है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को डैडी कुछ बोले थे, क्या बोले थे वो? क्या विश्व विक्रम जाएगा, तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड का शायद तो ये बना ही देंगे हमारे भाई। लेकिन पोरबंदर का हमारा मैदान है जहाँ पे जन्माष्टमी का मेला भी होता है, और दिवाली के पटाखे भी मिलते हैं, और यहीं पे ये मणियारा भी हो रहा है। ये बेन इसको वो प्ले कर तो, ये इधर रिमोट पड़ा है, ये देखे दोस्तों इतना ऐतिहासिक, क्या लिखा है, डिवाइन शोभा यात्रा। हाँ देखो अभी घूमेंगे, थोड़ा क्लोजअप भी आएगा शायद। ये देखो, ऐसा नहीं खेल पाते हैं हम दोस्तों, लेकिन आज कोशिश करेंगे। नीचे देखो ऑर्गेनाइजर श्री इंटरनेशनल मेयर सुप्रीम काउंसिल लिखा है उधर, ये अप्रैल 9 से लेके सब है, और इतना मजे में ये लोग। और ये फुटेज जो है वो संदीप पन्नी लाइव टीवी से साबार लिया हुआ है। हाँ देखो फुल पावर। और बताओ भाई पोरबंदर के बारे में और क्या जानना है, इससे तो बढ़िया नजारा हो ही नहीं सकता है। और ये जो पूरी यात्रा निकली थी ना दोस्तों, तो पूरा जाम कर दिया था पूरा पोरबंदर, वो भी हम कंटिन्यू देख रहे हैं। चैनल का नाम क्या है ये संदीपनी टीवी लाइव, संदीपनी टीवी लाइव दोस्तों। तो ये बहुत, ये देखो ये नाम है ना, ये नाम है श्रीमद् भागवत कथा भाई पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा रायपुर। तो बहुत बहुत इन लोग को थैंक यू। और हम लोग आज गर्व की बात है कि हमारे पोरबंदर में इतना बड़ा ऐतिहासिक, तालियों ना गड़ा दियो ना, थोड़ी बात दोस्तों। हम आज फिर से एक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ये मणियारो रास खेलने के लिए। तो वो क्षत्रिय लोग खेलते हैं ये सब मणियारो, लेकिन हम जिस गांव से हैं कुछड़ी, तो कुछड़ी गांव में ज्यादातर ये मेयर लोग हैं, तो वो लोग ये मणियारो करते हैं, तो हम लोग पहले से देखते आए हैं। तो आज इससे लास्ट ईयर भी हमने एक अटेम्प्ट किया था, और इस साल फिर से अटेम्प्ट करने वाले हैं। हमसे नहीं होगा तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, अगर हमसे हो गया तो ये भी एक विश्व विक्रम हो जाए। तो मेरे दादाजी वगैरह सब कुछड़ी में रहते थे, वो पोरबंदर में एक गांव है, तो वो लोग ज्यादा मतलब पहले ऐसे ऐसे ही कपड़े पहनते थे ना, बापूजी पहनते थे के? बापूजी ने कम पहना है, लेकिन अपने दादाजी ने पगड़ी, ये खमीस यानी शर्ट और चोरनी, हाँ ये सब दादाजी ने पहना हुआ है। और आपके भी दादा? मेरे दादा भी पहनते थे, और हर होली पे मैं उसके साथ देखने जाती थी हमारे छाया में, देवजी चौक में, ये जो छाया वाले जो है ना महर समाज, मोटा पाए, मोटा पाए डांडिया रास रमते है, तो हम उधर भी जाते थे देखने के लिए।
फिर बोखीरा में भी होता है, बखरला में भी होता है, मेहर समझ मेहर वंडी जो है चुंडारा में उधर भी होता है, उधर देखने जाते हैं, उधर भी होते हैं। तो हमने तो ये बहुत देखा हुआ है, तो आज ये देख के तो ऐसा ऐसा लेते हैं। और हम नवरात्रि में भी जब भी राशन खेमा जाते हैं तो उधर भी रोज खेलते ही है मणियारा। तो दोस्तों फिर अभी हम शुरू करते हैं, वो याद है ना, वो नहीं सही होगा तो माफ कर देना, ठीक है, गुस्सा गुस्सा नहीं निकलना। हो पाया हमसे सही से तो बहुत बहुत, वो क्या कमेंट में बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड बोल देना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे क्योंकि मैदान भी छोटा है और हमारे हाथ भी बहुत लंबे बड़े हैं, तो हम बाहर खेलेंगे आज दोस्तों। एंजॉय हो गया दोस्तों, इतना खेला ना मस्त। यहाँ पे तो कम जगह पड़ रही थी, तो बाहर चले गए तो बाहर भी कम जगह पड़ रही थी, तो पहले कैमरा इधर रखा था, फिर कैमरा उधर कोने में डाल दिया, तो वो सींग आ रही थी सरगवा की, वो भी फिर हमने ले ली, फिर भी ग्राउंड छोटा पड़ रहा था। अभी क्या बात करूं मैं, थोड़ा जो पड़ोसी वगैरह सब थे उनका लिहाज किया, वरना विला से भी बाहर ही निकल जाते। दूसरी सरप्राइज ये है कि आज स्पेशल बर्थडे है, वो मेरे पिताजी और माताजी बताएंगे, तो बताइए। हाँ, तो एक तो है अल्पा बेन डी गजर अंजार कच्छ से, उनका बर्थडे है। फिर है भावना बेन सुथार का गांधीनगर से, जो उनके बेटे मिलिंद सुथार ने बताया हो। और तीसरा
तीसरा बर्थडे से पहले बताओ कुछ, दिया जलाओ, दिया पिटाओ। बहन जला रही है दिया। यस। और यहाँ पे आ रही है अवनी, क्या लिख के हैप्पी बर्थडे डियर पापा, तालियां ना गड़ाती बताओ। तो फिर स्पेशल बर्थडे में ये है अवनी के पापा भास्कर भाई मोटा वडोदरा से, जो हमारे समधी है और इनके भाई भी लगते हैं, बहुत कुछ रिश्ते हैं उसमें। तो हैप्पी बर्थडे भास्कर भाई। हैप्पी बर्थडे। और उसी की खुशी में ये केक है और आज हमने स्पेशल दिया जलाया है। तो फिर अभी ये सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। बहन ने देखो क्या कर दिया केक का। पूरी अकेले केक आप ही खा गई बहन, ऐसे कैसे? हम तो यहाँ पे ऐसे चम्मच, सिर्फ ऐसे एक चम्मच किया और अपना केक खाया भी नहीं। इधर चार चम्मच और एक चाकू है, ये चाकू से ही खा रहा था। मैं तो आपने खाया नहीं है ना, ये लो। चला जा इस तरफ, आ जा, किधर गई, चलो। नहीं नहीं नहीं, हाथ छुपा दे, चल। शाबाश, चलिए। बहुत ये बहुत बड़ा स्कीम दे रही थी सबको, तो स्कीम हो गई उसकी फिर। कैसा लग रहा है आपको? तभी अवनी एक दो चीज बोलेगी दोस्तों। yes, तो क्या बोलना है आपको बताइए। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, आपने बहुत कुछ दिया है, इतना मुझे अच्छा फैमिली भी आपने ढूंढ के दिया है। तो फैमिली को ले ले, तो थैंक यू। ये जो आपके जीवन का टुकड़ा दिया है आपने, थैंक यू सो मच। भगवान ने मुझे बड़ोड़ा में भी इतना अच्छा फैमिली दिया है, ऊपर मेरे माँ बापू जी भी अभी है, तो वो भी पापा को ऐसे मस्त ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। और हम भी इधर से सब प्रे कर रहे हैं कि आपकी इतनी बड़ी आयु हो और ऐसे मस्त चीयर अप होते रहिए, और मेरा भाई आपका नाम रोशन करे, हम भी मैं भी आपका नाम रोशन करूँ, जैसा आप मुझे हर वक्त बेटा कहते पुकारते हैं। पहले से ही जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आपने मुझे बेटे की तरह बड़ा किया हुआ है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और बहुत सारी भगवान जी महादेव को प्रार्थना कि आप बहुत ही खुश रहे। और नोटों की बारिश, और बारिश दोनों जगह जरूरी है, वो भी जरूरी है दोस्तों। तो फिर दोस्तों, फिर सुपर आज हमने ना फिर पूरा दिन का शूटिंग नहीं किया फिर, क्योंकि रात को ये हम धमाल करने वाले थे। और अभी देखिए इधर ऐसे खत्म नहीं हुआ, ये वही के वही स्टॉप है, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक डेढ़ घंटे का बाकी है तो वो देखने वाले, लेकिन पिताजी मामा ये सब सो जाएंगे, हम लोग जागने वाले हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। कमेंट वगैरह रख के वाले डाल, बाकी तुम्हें चूल्हे नहीं, चूल्हे जैसो मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय।